अच्छा, आप सब लोग हमका यह बात सही सही बताए हो कि आप मन में कबो न कबो यू सवाल जरूर आवत होई कि हमारे घर में जो पंखा लगा है, जो एलईडी बल्ब लगा है, वो कितनी बिजली खात है, वह 24 घंटा यानी याग दिन में कितने रुपए बिजली खा जात है। तो जनबाय सब कुछ, मगर वही के पहले अगर आप ई चैनल का सब्सक्राइब नहीं करे हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और घंटा जरूर दबा दिन हूँ। काहे कि जैसे घंटा बजावे से भगवान खुश होते हैं, वैसे हमहू खुशी मिलत है। तो बिना टाइम गवाएं चलो जल्दी जल्दी चश्मा उतारा जाए और दुनिया देखा जाए खुली आँखें तेरी। तो नमस्कार दोस्तों, एक छत वाला पंखा औसतन 60 वाट का होता है और यह एक घंटे में 60 वाट बिजली खर्च करता है। तो इस हिसाब से 24 घंटे में यानी एक दिन में 24 × 60 बराबर 1440 वाट बिजली यह पंखा खर्च करेगा। एक यूनिट बिजली में 1000 वाट होते हैं, तो इसका मतलब एक पंखा दिन भर में 1.44 यूनिट बिजली खर्च करता है। यदि आपके यहाँ एक यूनिट बिजली का रेट 5 रुपये आता है, तो उस हिसाब से 1.44 × 5 बराबर 7.20 रुपये हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ एक 60 वाट का पंखा दिन भर में लगभग 7 रुपये 20 पैसे की बिजली खाएगा। कुछ पंखे 70 से 100 वाट के भी होते हैं और कुछ पंखे 50 से 75 वाट के भी होते हैं। उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि दिन में आपके यहाँ कितना बिल आएगा। अब बात करते हैं एलईडी बल्ब की। यदि आपका 7 वाट का एलईडी बल्ब 24 घंटे यानी एक दिन जलता है, तो 24 × 7 बराबर 168 वाट हो जाएगा। अतः 168 / 1000 बराबर 0.168 यूनिट बिजली आपका एलईडी बल्ब दिन भर में खाएगा। यदि आपके यहाँ एक यूनिट बिजली का बिल 5 रुपये आता है, तो उस हिसाब से 0.168 × 5 बराबर 0.840 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब आपका एलईडी बल्ब 6 दिन में 5 रुपये की बिजली खाएगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।